गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू एफएनओ रॉक्स। कुछ पर्सनल इमरजेंसी के चलते मैं पिछले 4-5 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग भी मैं खुद नहीं कर रही थी। मेरे कुछ रनिंग पोजीशंस लाइक एन आयरन फ्लाई और एक रेशियो चल रहा था, तो मैं उसको मैनेज कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने आज लिया। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करती हूँ इंट्राडे में, ऑप्शन सेलिंग और या फिर उसको क्रेडिट स्प्रेड बना के ट्रेड करना। तो उसी के बारे में आज हम फिर से डिस्कस करेंगे, और कैसे मैंने ये ट्रेड लिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। नाउ मेरे दो फोकस होते हैं इंट्राडे ट्रेड्स में जब लेती हूँ, इनफैक्ट पोजिशनल के लिए भी, कि कोई ऐसा एरिया ढूंढो, कि ऐसा प्राइस एक्शन ढूंढो जहाँ आपको सबसे कम एसएल में ट्रेड मिल सके। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि ऐसा कोई सेटअप जिसपे आपको सबसे कम एसएल में आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है, और एट द सेम टाइम जो आपका रिवॉर्ड हो उस हिसाब से काफी बड़ा हो, ओके, या फिर एटलीस्ट आपको मतलब एक सेफ जोन में आप ट्रेड कर रहे हो, सो दैट योर साइकोलॉजी रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं बेसिक प्राइस एक्शन को ही यूज करके ऐसे ट्रेड्स ढूंढती हूँ। मैं अपने इस सेटअप को बहुत अच्छे से सिखाती हूँ अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में, और अगर अगर ये सेटअप बनता है तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट भी करती हूँ, जो कि मैंने अपने करंट मेंटोरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के साथ भी किया था आज। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप ज्वाइन करके मेरे साथ ये चीज़ अच्छे से सीख सकते हो बहुत सारे तरीके से कैसे ट्रेडिंग करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट्स, अभी अगर हम चार्ट पे देखेंगे, व्हाट आई वांट टू शो यू इज दैट, गिव मी वन सेकेंड। सो सबसे पहले आपको ये कुछ लाइन्स दिख रही होंगी, लेट मी जस्ट रिमूव द ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो मेरा सेटअप है वो सेटअप आज दिन में 3 बार बना था, बट मैंने ट्रेड सिर्फ एक ही बार लिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार जब मेरा सेटअप बना इस एरिया पे, जब मेरा सेटअप बना तो मैंने इसको स्किप किया। मैं सिस्टम पे ही थी, अवेलेबल थी, बट मैंने स्किप किया क्योंकि उस टाइम RBI गवर्नर्स का स्पीच चल रहा था, एंड यू नो एनीथिंग कैन हैपन। उस टाइम बड़ा सा स्पाइक मारता है, नीचे आ जाता है, यू कैन सी द प्राइस एक्शन हियर, राइट। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क माई कैपिटल इन फ्रीक ट्रेड्स, इन न्यूज़ बेस्ड ट्रेड्स, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया। दूसरी एंट्री मेरी बनी यहाँ पे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे इसने मुझे अच्छा खासा टारगेट दिया। तीसरी एंट्री यहाँ पे कहीं बन रहा था, बट मैंने उसको स्किप किया क्योंकि उस टाइम हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था ट्रेड को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो दिन हमारा एंड होने वाला था इसलिए। तो अभी सेटअप क्या है, तो बेसिकली आई एम यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ किया है। आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स का भी सुना होगा कि वो बहुत सारे कैंडलस्टिक्स को फॉलो करते हैं। मेरे लिए सिर्फ दो ही कैंडलस्टिक्स प्राइमरीली एग्जिस्ट करती है, एक है हैमर और एक है इन्वर्टेड हैमर। मुझे ना बुलिश एनगल्फिंग चाहिए, ना मुझे कोई हरामी कैंडल्स चाहिए, ना मुझे इनसाइड कैंडल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अगर इन्वर्टेड हैमर और हैमर मेरे लिए काफ़ी है एक्चुअली, ठीक है। बट उनको यूज़ करना, मतलब दिन में कई बार बनते रहते हैं ऐसे कैंडल्स, हाउ वुड यू यूज़ इट, ठीक है। तो आज का भी ट्रेड जो मैंने लिया था इस हैमर कैंडल पे लिया था, और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे करते हैं पूरा इन डिटेल। ये सेटअप जब बनता है, कैसे मैं ट्रेड लेती हूँ उसको सीखने के लिए, यू कैन वर्क अंडर माई गाइडेंस इन द मेंटोरशिप प्रोग्राम। नाउ क्विकली यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। नाउ इफ यू सी ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले चुका है। देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, इसके नीचे जिस दिन ओपन हुआ वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब ऊपर ओपन हुआ फिर सपोर्ट लिया, फिर आज यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, तो इट इज़ अ कन्फर्म्ड सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो ऐसा ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पीछे लेके आए हम चार्ट, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और काफ़ी ऊपर चला गया, तो दिस इज़ अ क्रिटिकल एरिया, राइट। तो ऐसे एरिया पे इट इज़ अ कन्फर्म्ड सपोर्ट एरिया। अब ऐसे सपोर्ट एरिया पे जब मुझे ये हैमर बनता हुआ दिखा, तो आई एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड। अलोंग विद दैट एक और कॉन्फर्मेशन मुझे मिला, जो मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस अगर मिल जाए तो देन योर ट्रेड लुक्स मच बेटर। यहाँ पे देखो, एक ट्रेंड लाइन पे 1, 2, ऑलमोस्ट 3, 4 चौथी बार जब इसने सपोर्ट लिया, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्फर्मेशन, राइट। नाउ तो यहाँ पे जब इसने ये हैमर बनाया, तो तब मेरे लिए ये सेटअप ट्रिगर हुआ, और मैं अब आपको ये ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊंगी। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मैं थोड़ा सा आपको ऑर्डर्स में ले जाके दिखाती हूँ। कुछ मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, आयरन फ्लाई मैंने आपको बताया, उसमें मैंने काफ़ी एडजस्टमेंट्स वगैरह करती रहती हूँ, तो यू विल सी मल्टीपल ऑर्डर्स, बट लेट्स फोकस ऑन द वन दैट वी हैव टेकन, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने 75 क्वांटिटी में ये ट्रेड किया था, तो लेट्स जस्ट चेक वन मोमेंट, एक मिनट।
44,300 PE था ना, 44,300 PE हमने कहाँ पे लिया? ओके जस्ट वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके तो ये ट्रेड मैंने लिया था अराउंड 12, कहाँ पे है ये, यहाँ पे ट्रेड ली थी 12:26 पे मैंने ट्रेड ली थी। ये मेरा ऑर्डर बुक है, 75 क्वांटिटी यानी कि 5 लॉट्स, मैंने इसको सेल किया था 196 पे। ठीक है, 12:26 देखते हैं चार्ट पे कहाँ पे बना था। 12:26 यानी कि ये वाला कैंडल जब क्लोज हो रहा था, 15 मिनट्स का कैंडल है, ठीक है, 12:15 का कैंडल है, तो यहाँ पे जब ये क्लोज होने वाला था ऑलमोस्ट ये हैमर दिख चुका था मुझे, तो तब मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था। अब मैं ऑप्शन चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो दिस इज द वन, ये जब इसमें मुझे एंट्री मिली 196 पे, यहाँ पे कहीं पे 196 पे मुझे एंट्री मिली। ठीक है, SL रखा मैंने इस कंसोलिडेशन के एरिया पे, तो अराउंड 226 का मेरा SL था, विच इज 30 पॉइंट्स का SL। तो 30 पॉइंट्स का SL था मेरा, और उसके आगे मैंने टारगेट रखा था 145 का, विच इज दिस एरिया, समवेयर अराउंड दिस एरिया। ठीक है, 145 का मतलब मैंने ये रखा था कि मार्केट जब स्पॉट के चार्ट पे इस एरिया पे पहुंचता है तो मैं वहां पहुंचूंगी, तो मैंने 145 का टारगेट लगा दिया था सिस्टम पे। और अगर मैं आपको इस पे शून्य ऐप पे दिखाऊं तो एग्जैक्टली 2:01 पे 145 का ये मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 145 कहाँ पे है, वन सेकेंड, हाँ ये वाली कैंडल है, इसने 132 का लो लगाया था, बट इसी कैंडल में ये लो भी लगा चुका था और इसी कैंडल में 145 का मेरा टारगेट इसने दे दिया। ठीक है, और वन ये वाला कैंडल, ठीक है, आपने ऑर्डर बुक भी देखा और यहाँ पे भी देखा, तो वन यहाँ पे इसने मेरा टारगेट दे दिया। ठीक है, और मैं टारगेट लगा के रखती हूँ ताकि टारगेट स्पाइक में भी हिट हो जाए ना, तो आई एम डन। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 51 पॉइंट्स मिले, तो अराउंड 30 पॉइंट्स के आगे ये 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। इस ट्रेड में मेरे डिप्लॉय हुए थे अराउंड 1,20,000 के आसपास मेरा कैपिटल लगा था, विथ बिकॉज मैंने बहुत दूर का पी बाई कर रखा था, 42,600 का पी बाई कर रखा था, तो जिससे मेरा मार्जिन कम हो गया था, और उसके चलते ये यहाँ पे मुझे मतलब टोटल आई थिंक अराउंड 3% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑर्डर बुक, जो लोग कहते हैं कि आप ऑर्डर बुक दिखाया करो, तो ऑर्डर बुक आप देख लीजिए, 75 क्वांटिटी है, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प है, और मैंने आपको सेटअप समझा दिया। सो द आइडिया हियर इज कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले मैं भी काफी सारे ट्रेड्स लेती थी इंट्राडे में, बट अब मैंने भी उसको रिड्यूस कर दिया है। अभी तो आजकल तो मैं कर ही नहीं रही थी, बट व्हाई नॉट डू दिस कि आप वेट करो अपने सेटअप के आने का, और जब वो आ जाए तो निडर होके काम करो। निडर आप तभी हो सकते हो यू नो व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल एसएल, जब आपका फियर कम होगा यू कैन होल्ड योर ट्रेड फॉर लॉन्गर। ठीक है, ये मोस्टली टारगेट आपको दे देता है मोस्टली। ठीक है, ऑब्वियसली कभी कभी तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता, कोई चीज 100% फुल प्रूफ नहीं होता। ठीक है, बट आई होप दिस मेड सेंस टू यू। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा प्ले करके देख सकते हो, वैसे तो बहुत ही बहुत ज्यादा सिंपल है, बेसिक प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक है, बट दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस टू मेक मनी। एक्चुअली जो हमें चाहिए वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन एंड द पावर टू यू नो कंट्रोल आवर फियर एंड होल्ड ऑन टू द ट्रेड। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज टूडे। अगर कोई क्वेश्चन हो गो हैड एंड पुट दैट इन द कॉमेंट्स बॉक्स, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज ज्वाइनिंग इन टू एफ एन ओ रॉक्स एंड वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड वन ऑल।